Well, I mean, how? Come on, यार करीना, wow! करीना भी बाबा, मेरा छोटा छोटा बच्चा है बाबा, ये मूवी देखने के बाद वो भी नहीं रहेगा बाबा, क्या बोला तूने? आदि पुरुष, तू! इस तरह का उनका रिएक्शन होता। ए, 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 रोमा, मैंने क्या देख लिया हूँ? अरे हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों फाइनली आज आदि पुरुष बड़े स्क्रीन पर रिलीज हो गई है दोस्तों, और मैं मौजूद हूँ सिनेमा का मंदिर गेटी गैलेक्सी में। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आपको मैं एक ऐसे इंसान से मिलाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप भी शौक हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए आते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं दोस्तों हमारे शाहिद शेख। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दूं कि आदि पुरुष मूवी देख के अभी फिलहाल ये थिएटर से बाहर ही आए हैं, तो चलिए हम पहले इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनको आदि पुरुष कैसी लगी। तो पहले बताओ कि आदि पुरुष आपको कैसी लगी। आदि पुरुष एक एवरेज मूवी है जी, जैसे प्रभास का काम दिखाया गया है, जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी ओम प्रकाश रावत सर से, जिस तरह का उनका डायरेक्शन होता है वो बहुत थोड़ा मुझे कहीं ना कहीं वीक लगा। जिस तरह का जो मतलब एक रामायण कथा थी, जिस तरह उसको प्रेजेंट करना चाहिए था स्क्रीन पर जी, शायद वो कहीं ना कहीं मिस हो गए उस चीज़ से जी। और जिस तरह का मतलब सीता जी को बताया गया रोल मॉडल उनका जैसा था, इसमें एकदम जैसे लेटेस्ट तरीके से बताया गया है, वो कहीं ना कहीं मतलब चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे वीक लगी। तो मूवी मुझे फर्स्ट हाफ मतलब सही लगा, बट सेकेंड हाफ और अच्छा हो सकता था, थोड़ा वीक लगा। चलिए आपको बता दूँ दोस्तों के जो हमारे शाहिद शेख भाई हैं, ये थोड़ा टैलेंटेड भी है, जो स्ट्रगलर बोलते हैं मुंबई के सबसे बड़े स्ट्रगलर यही हैं, और आप भी सरप्राइज हो जाओगे क्योंकि ये इनको देखा मैं बहुत सारे आवाज़ भी मिमिक्री करते हैं एक्ट्रेस का। तो मैं इनसे पहले जानना चाहूँगा कि अगर नाना पाटेकर साहब अगर इस पर रिव्यू देते तो किस अंदाज में देते हो? तो नाना पाटेकर जैसे मूवी अगर देख के निकले तो उनका रिएक्शन कैसा होता है ये मूवी देखने के बाद? अच्छा है, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, बनिया ये हिंदू का खून या मुसलमान का खून? ओम राउत ने इतनी अच्छी मूवी बनाई है, मैं क्या कहूँ, मेरे पास कहने के लिए शब्द ही है उदय कंट्रोल। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, घर है, दौलत है, शौहरत है, पर ओम राउत ने अच्छी मूवी नहीं बनाई है। तो क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब चलिए अगर नवाज सर रहते हैं हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी फैजल खान, तो वो किस अंदाज में इस मूवी का रिव्यू करते हैं? जैसे कि अगर ये मूवी को नवाज सर देख के निकलते आदि पुरुष मूवी को, तो उनका रिएक्शन क्या होता इस मूवी को देखने के बाद? मैं बहुत गरीब इंसान है, अरे बाप का, दादा का, नाना का, सबका बदला लेकर अरे फैजल ये मूवी देख के क्या बना रहे ओम राउत। क्या बात है। चलिए देख सकते हैं, आगे भी जाइए मत, आप लोग आगे बहुत चीज़ें हैं। अब चलिए हमारे जो लेजेंड एक्टर्स थे अमरीश पुरी साहब, जो कि अब नहीं रहे इस दुनिया में, अगर वो इस वक्त रहते हैं तो वो किस मूवी को किस तरीके से रिव्यू करते हैं? अगर अमरीश पुरी सर आज अगर मतलब वो बहुत ही बड़े ग्रेट एक्टर है, उनका मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो मैं तो कुछ होता ही नहीं उनकी मिमिक्री करने वाला, बट अगर फिर भी वो इस मूवी को आज देखते और देखने के बाद वो थिएटर से निकलते तो उनका रिएक्शन तो कुछ ऐसा ही होता। ओए 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 रज्जो, अरे क्या मूवी बना दी, अरे बोल, अरे क्या मूवी बना दी भाई। क्या बात है। चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा आपसे इरफान साहब की, जो कि हमारे लेजेंड वो भी अभी इस दुनिया में नहीं रहे, इरफान खान सर, उनका मिमिक्री बहुत लोग करते हैं उनका मिमिक्री, अगर वो इस वक्त रहते तो इस मूवी को किस अंदाज में रिव्यू करते हैं? अगर वो इस मूवी को देख के निकलते तो फिर वो तो एक ही बात करते कि वो भी आज हमारे बीच नहीं है, वो भी एक्सपायर हो चुके हैं, बहुत अच्छे एक्टर थे वो भी, बड़े मतलब वर्सटाइल एक्टर थे जी सर। तो अगर वो इस मूवी को देख के निकलते तो उनका रिएक्शन ऐसा होता, अरे क्या बना दिया, अरे भैया, अरे बता रहे हैं तुमको जेल हो सकती है, अरे पिक्चर तो बहुत अच्छी बनेगी भैया, बहुत ऊपर जाओगे भैया, क्या बात कर रहे हो, मैंने आदि पुरुष देखी भैया, अरे एक नंबर पिक्चर है भैया। थैंक यू। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट हम इनसे आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं, शाहरुख खान साहब जो कि SRK जिनको कहते हैं किंग ऑफ रोमान, शाहरुख सर रहते हैं तो किस अंदाज में इस रिव्यू करते इस मूवी को? अगर शाहरुख खान सर इस मूवी को देख के निकलते तो मेरे ख्याल से वो फिर पठान बनाने का वापस सोचे भी नहीं, तो वो फिर कुछ इस तरह का उनका रिएक्शन होता। ए, 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 रोमा, मैंने क्या देख लिया हूँ?
अरे अरे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम मेरी आंखों में हो, तुम मेरी बातों में हो। इस तरह का रिएक्शन होता है। इस मूवी में सैफ अली खान भी हैं। जी 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 राइट। अगर वो खुद की मूवी को रिव्यू करते तो कैसे करते हो? वो तो फिर मतलब मुझे तो लगता है कि उनका रोल मतलब कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न दिखाया उनको। इस रोल में मतलब प्रेजेंट होना ही नहीं था। इनकी जगह पे अगर कोई और अच्छा एक्टर होता तो मतलब शायद रावण का रोल वो और बेटर कर सकता था, जिस तरह का सैफ अली ने प्रेजेंट किया है खुद को। बट अगर सैफ अली खान खुद ये मूवी देख के निकलते तो कहते वेल आई मीन हाउ कम ऑन यार करीना, वाओ करीना भी बोलेगी जाओ पहले बच्चों की चुम्मी लेके आओ। थैंक यू। चलिए साहिद भाई जो है हमारे वो बहुत लोगों का मेमेक्री करते हैं, इनसे तो जाहिर हो गया। अब ये खुद अपने आप जितने भी मेमेक्री करते हैं जितने भी एक्टर का वो आज खुद से ये मेमेक्री करेंगे, वो भी आदि पुरुष व्यू। तो जैसे कि अगर जॉनी लीवर सर जो ग्रेट कॉमेडियन है अगर वो इस मूवी को देख के निकलते तो उनका रिएक्शन कैसा होता? बाबा मेरा छोटा छोटा बच्चा है बाबा, ये मूवी देखने के बाद वो भी नहीं रहेगा बाबा, क्या बोला तूने आदि पुरुष तू। नेक्स्ट अगर यही मूवी को अगर अमिताभ बच्चन सर देख के निकलते तो 100% वो गुटके का मतलब ऐड करना बंद कर देते। तो अगर वो इस मूवी को देख के निकलते तो कहते थे अरे भाई आए, अरे कभी तो आइए गुजरात में आए, दो बूंद बच्चों को पोलियो के पिलाइए आए, अरे भाई हम देख के निकले हैं आदि पुरुष, अरे भैया सर दुख रहा है लीजिए सुंडू बम है। नेक्स्ट और अगर यही मूवी को हमारे जो बड़े बड़े होट वाले एक्टर हैं सुनील शेट्टी सर, अच्छा। मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, अगर वो देख के निकलते तो उनका रिएक्शन कैसा होता? आंसर है तुम भी बोल जाओ नहीं सकता और बच्चे बोल जाओ मैं नहीं दूंगा, मैंने तुमको आज पिक्चर दिखाई आदि पुरुष, ये धरती मेरी माँ है, मगर आदि पुरुष देखने के बाद मैं कभी चलता हूँ कभी रुकता हूँ कभी चलता हूँ कभी रुकता हूँ। नेक्स्ट अगर यही मूवी परेश रावल सर देख के निकले तो उनका रिएक्शन कैसा होगा? ये राजू ये मेरा छाती फोड़ रहा बाबा, ये मुझे कुछ नहीं दिख रहा है बाबा, मेरा चश्मा, अच्छा वो मेरा चश्मा पिक्चर के टाइम पे घूम गया रहा राजू। तो कुछ इस तरह का इन सबका रिएक्शन होता। थैंक यू सो मच। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे जो साहिद भाई है ये बहुत टैलेंटेड है और आज भी मुंबई में स्ट्रगलर कर रहे हैं, और तो आपको जानकारी के मुताबिक बता दूं कि ये धिसुम जैसी मूवी में भी काम कर चुके हैं, ना यकीन हो तो आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। और हमारे पीछे आप तो जानिए हमारे आसिफ भाई भी हैं जो कि इनके बहुत खास मित्र हैं, अगर इनसे जो इंट्रोडक्शन हुआ वो आसिफ भाई ही मिला है हमें, तो आसिफ भाई से कुछ दो लाइन पूछ लेते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आसिफ भाई यहाँ नहीं होते तो शायद मैं भी यहाँ नहीं होता, जहाँ भी मैं थोड़ा बहुत भी पहुँचा हूँ ये आसिफ भाई की मेहरबानी है जो इन्होंने मुझे मतलब रास्ता दिखाया प्लेटफॉर्म दिखाया, तो इनका बहुत बड़ा एहसान है। अभी से नहीं पिछले 10 सालों से जानता हूँ मैं आसिफ भाई को, और आज जो भी हूँ जिधर भी हूँ आसिफ भाई की वजह से हूँ। ऐसे कुछ भी नहीं है, सब बोलने की बातें होती है, जो जिसकी किस्मत का जहाँ होता है वो अपनी किस्मत की जगह पे पहुँच जाता है, ऐसा रहता है। बस एक रहता है कि क्रेडिट रहती है सामने वाले को देने के लिए कि मतलब ठीक है ओके, क्योंकि हर दुनिया में हर जगह पे वसीला नाम की कोई चीज़ होती है और हर किसी को वसीले की ज़रूरत होती है। जैसे अभी सपोज मेरा कोई काम हो तो ये कर सकते हैं, बट लेकिन अभी वो आया था पिक्चर देखने के लिए आदि पुरुष, तो हम लोग मिल गए तो, बट लेकिन देखा कि पिक्चर कहीं ना कहीं बहुत लुड़कम जैसी लग रही थी, तो थोड़ा बुरा लगा कि मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि इतने महंगी फिल्म और इस तरीके से पीट जाए। बराबर। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है कि मतलब शायद लगता है टॉलीवुड की भी बारी शुरू हो गई है, ऐसा मुझे फील हो रहा था कि मतलब जहाँ टॉलीवुड का इतना नाम चल रहा था पुष्पा वगैरह ऐसे वैसी फिल्में जो चल रही थी, तो इतनी फिल्मों के बावजूद बाद में अगर एक इतनी बड़े बजट की फिल्म अगर इस तरीके से पीटेंगी तो ये अच्छी बात नहीं रहेगी फिल्म एक्चुअली इंडस्ट्री के लिए, अच्छी बात नहीं रहेगी और लोगों का मनोरंजन ख़त्म हो जाएगा, फिर लोग अपने मोबाइलों में ही जो भी कार्टून नेटवर्क पे जो चल रहा है बच्चों की तरह, बस लोगों का भी बचपना वापस से पैदा हो जाएगा और लोगों का बचपना कभी ख़त्म नहीं होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड जितनी भी है इनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई अपनी अपनी फिल्मों पर ध्यान दे और अच्छे अच्छे राइटर्स पर ध्यान दे, ताकि उनके साथ में ईमानदारी से उनके साथ में ये करो तो ताकि वो उनके सब्जेक्ट आपके सामने ला के शो कर सके। ऐसे नहीं कि किसी ने आपको सब्जेक्ट लाकर सुनाया, आपने उसके सुन लिया, सुनने के बाद में दो लाइन चेंजेस करके अपनी फिल्म रेडी करना शुरू कर दिए, इसीलिए सारी फिल्मों पे पनौती का ग्रंट लगा हुआ है। बस ये चाहता हूँ
कि अच्छी से अच्छी फिल्में बने, अच्छे अच्छे लोगों को चांस मिले, हमारे शाहिद भाई को चांस मिले। ये भी कुछ कम एक्टर नहीं है, बहुत टैलेंटेड है। बस इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि अगर जो इंसान दूसरों की मिमिक्री कर सकता है तो वो खुद के लिए क्या कर सकता है और लोगों को क्या दे सकता है, ये हमारा और लोगों का काम है इस बात को ये करना। थैंक यू, वेलकम, थैंक यू सो मच। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारे साहिद भाई, आसिफ भाई, आपने सुनी लिया। खासकर हमारे जो साहिद भाई आज भी स्ट्रगलर कर रहे हैं, तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ऐसे से टैलेंटेड बहुत कम है और ऐसे से टैलेंटेड को इज्जत करनी चाहिए दोस्तों। तो हमें इनकी इज्जत भी करनी चाहिए कि इनका जो टैलेंट है ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके। तो बस भाई इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।